प्रभु यीशु दे नाँ तों मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदी हाँ। पिछले हफ्ते असीं सिख्या प्रार्थना क्यों करनी चाहीदी है। अज असीं प्रार्थना दी शक्ति दे बारे देखांगे। जिद्दां कि सानूं वचन दसदा है कि असीं आत्मिक लड़ाई दे विच लगे हुए हाँ, पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़ाई नूं साडे लई पहलां ही जित लिया है, असीं इस करके जित लई नहीं बल्कि जित दे स्थान तों प्रार्थना करदे हाँ। भले ही असीं अज जित दे स्थान तों प्रार्थना करदे हाँ, फिर भी सानूं अज लोड़ है दुष्ट दे सारे झूठ धोखेबाजी ओदियां बुरियां चालां तो सतर्क रहन दी, जिद्दां कि वचन सानूं सिखांदा है। असीं जिद्दां वचन च देखदे हाँ कुलुसियों 4:2 दे विच कि हमेशा धन्यवाद दे नाल प्रार्थना करो और हमेशा बिना रुके दृढ़ता दे नाल प्रार्थना करो। परमेश्वर सानूं सिखांदे प्रार्थना किद्दां करनी है, जिहड़ी प्रार्थना शक्ति है। जदों असीं कृतज्ञ हिरदे नाल प्रार्थना करदे हाँ और दृढ़ता दे नाल प्रार्थना करदे हाँ, तो यह शैतान के मुँह से मुक्के का काम करता है। परमेश्वर कहते हैं कि जिदा एक एक बिल्डर जो परमिट की इंतजार करता ताकि वह काम शुरू कर सके, इस तरह ही स्वर्ग साड़ी इंतजार च है कि असी इतों प्रार्थना करिए ताकि स्वर्ग साढ़े बिहाफ से काम करना शुरू कर सके। जिदा वचन च लिखा है मत्ती 6:10 दे विच, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होंगी है इस तरह ही तेरी इच्छा साढ़े जीवन के भी पूरी हो जाए। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि साड़ी प्रार्थना की पुष्टिकरण जो उन्होंने अपने वचन से साड़े लिए लिखा है असी उस वचन लईए और परमेश्वर साड़े बिहाफ से काम करन। खाली स्व केंद्रित होकर प्रार्थनावां नहीं करनियां, बल्कि परमेश्वर ने जो सानू प्रार्थनावां दा मध्यस्थी दा जो सानू उन्होंने गिफ्ट दिता है, असी अपने परिवार लिए, अपने जीवन साथी लिए, अपने प्रियजनों लिए, असी हर एक दे लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि प्रार्थना दे विच जिदा याकूब 5 दे विच लिखिया है कि धर्मी जन दी प्रार्थना दे विच बहुत प्रभाव हुंदा है, ते तुहाडी प्रार्थना दे द्वारा परमेश्वर तुहाडे परिवारां दे विच काम करना चाहते हैं। इस करके हमेशा प्रार्थना च लगे रहिए। स्वर्ग साढ़े लिए खुला है, परमेश्वर का प्रोविजन साढ़े लिए अवेलेबल है, परमेश्वर ने सब कुछ साढ़े लिए पूरा कर दिता, असी केवल विश्वास की प्रार्थना करिए। तो मैं आशा करती हाँ इस पूरा महीना तुसी प्रार्थना के विषय सीखिया है और प्रभु ने तुहानू आशीष दी है। निरंतर इन्हां वचनां नू सुनते रहो और प्रभु के अनुग्रह च बने रहो। प्रभु तुहानू सबनू बहुत आशीष देन। जय मसीह की।